नमस्कार सभी को, मैं हूँ सांगे ड्रोमा और आज हम करने वाले हैं खास मुलाकात अरुणाचल प्रदेश वेस्ट के एमपी और साथ ही स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू जी से। सर, पहले तो हमारी टीम और जितने भी अरुणाचली है उनके तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक आपके यू। मिनिस्टर पोस्ट के लिए। सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एज अ आपको स्पोर्ट मिनिस्टर होने नाते यही क्वेश्चन रहेगा कि क्योंकि आपको नॉर्थ ईस्ट के फेस से जाना जाता है सेंटर में, तो सर आपका फर्स्ट प्लानिंग क्या है रहेगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए और स्पेशली अरुणाचल के लोगों के लिए एज ए स्पोर्ट मिनिस्टर सर? मैं पहले तो मैं अपना जो जिम्मेदारी है उसको मैं अलग अलग करके देखता हूँ। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरा अपना अरुणाचल प्रदेश के लिए और मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है अरुणाचल वेस्ट, उन लोगों के लिए मैं एमपी जैसे काम करते रहूँगा। उनके लिए अलग अलग विभाग से मंत्रालय जो अलग अलग होता है, हर मंत्रालय में कुछ ना कुछ स्कीम होता है, हमारे राज्य सरकार को क्या मदद मिलना है और फिर पॉलिसी क्या हमारा राज्य के लिए अच्छा है, ये सारा चीज़ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुझे करना है वो तो मैं करूँगा ही। फिर उसके बाद आता है एक मंत्री होने के नाते देश का एक मेरे जिम्मेदारी में अभी दो मंत्रालय है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो युवा मामला और खेल ये बड़ा मंत्रालय है, उसका मैं इंडिपेंडेंट चार्ज में हूँ, तो उसको पूरा देश का जिम्मेदारी मेरे ऊपर में है। दूसरा है माइनॉरिटी अफेयर्स का, भी मैं राज्य मंत्री हूँ तो उसका भी अलग एक मुझे देखना पड़ता है। खास करके जो यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स हैं, ये बड़ा मंत्रालय होने के नाते बहुत जिम्मेदारी है और बहुत चैलेंजेस भी है, तो देश में किस माहौल में मुझे काम करना है और देश में खेल के क्षेत्र में क्या क्या करना है वो मेरा विचार में ऑलरेडी है और आगे क्या क्या करना है वो समय समय पर हम करते जाएंगे। और इसी मंत्रालय से मैं अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या कर सकता हूँ उसका भी मैंने सोच के रखा है। अब इस इंटरव्यू में तो मैं डिटेल से कार्यक्रम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मेरा एक मानना है कि अरुणाचल प्रदेश एक नया स्टेट है, पोटेंशियल है, फैसिलिटी नहीं है, लोगों को खेल के बारे में जानकारी कम है। ऐसे जानते हैं क्रिकेट क्या होता है, हॉकी क्या होता है, बॉक्सिंग क्या होता है, बैडमिंटन क्या होता है, वो मालूम है, खिलाड़ी कैसे पैदा किया जाता है और उसके लिए क्या क्या टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। अभी मैं सपोज़ ईटानगर में एक बॉक्सिंग एकेडमी खोलूँगा या मैं वहाँ रेसलिंग एकेडमी खोलूँगा, तो उसके लिए रिसर्च के लिए क्या क्या चाहिए, कोचिंग के लिए क्या क्या चाहिए, ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए, एकेडमी खोलने के लिए कितना लागत, पैसा का कितना ज़रूरत पड़ेगा, फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसके बाद में बेस्ट पॉसिबल एक्सपोजर वहाँ फॉरेन कोच, क्योंकि आजकल कोई फॉरेन कोच पर मंथ कोई 10 लाख से नीचे में कोई मिलता नहीं है, पर मंथ का मैं बात कर रहा हूँ, बहुत एक्सपेंसिव है। ये सब चीज़ सोचने में तो सोच लेंगे, करना मुश्किल है, इसलिए एक प्लानिंग का साथ मैं सोच रहा हूँ कि अगले 3-4 साल तक मैं एक शेप दे सकता हूँ। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में टैलेंट है, लेकिन आज तक हमारे वहाँ से कोई ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में कभी कोई खेला नहीं है। हिंदुस्तान से बहुत लोग ओलंपिक्स में खेले हैं, अरुणाचल से तो ओलंपिक का तो दूर की बात, एशियन गेम्स तक में आज तक किसी ने मेडल तो छोड़िए भाग भी नहीं लिया, आज तक कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, यानी कि स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम लोग कितने पीछे हैं, ये इस चीज़ को हमारा जो हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलता है। इसलिए मेरा कल्पना है कि आने वाला 8-9 सालों के अंदर अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ एशियन गेम्स या रीजनल गेम्स सिर्फ नहीं, ओलंपिक्स खेलना चाहिए। मेडल मिलना नहीं मिलना वो उस स्तर में बहुत ही मुश्किल है किसी को कहना, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन जो खिलाड़ी है सब जब एक साथ आता है तो वो आसान चीज़ नहीं होता है, लेकिन ओलंपिक्स तक तो पहुंचना चाहिए। उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है मेरा अपना एक सोच है, वो मैं सोच के रखा हूँ। और साथ में युवा मामला जो है हमारा यूथ अफेयर्स में काफ़ी एक्टिविटीज़ होता है, यूथ इंटीग्रेशन होता है, एनएसएस होता है, नेहरू युवा केंद्र होता है, अलग अलग अभियान होता है, एडवेंचर्स का बहुत सारा साधन है, मैं बहुत कुछ सोच के रखा हूँ, वो करने वाला हूँ।
सर, जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे जो स्टेट के स्पोर्ट मिनिस्टर मामा नातुंग भी यहाँ आए थे, सीएम पेमा खांडू भी यहाँ आए थे, तो एक डिस्कशन चला था। और यहाँ तक कि कह लीजिए कि एक डिक्लेरेशन हो गया कि नेशनल गेम अरुणाचल में होगा। तो सर, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ही स्टेडियम बन रहा है, तो हर चीज़ तो आउटडोर होगा नहीं, इंडोर भी होगा। तो सर, इंडोर तो है ही नहीं वहाँ पर, तो किस तरीके से सर आप लोग प्लान कर रहे हो, क्योंकि 2020 तो आने वाला साल ही है सर। नहीं, अभी नेशनल गेम्स तो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ही एकमात्र स्टेट है इंडिया में, स्टेडियम नहीं है। जो हम जो नॉर्मल स्टेडियम देख रहे हैं वो नहीं है, प्रॉपर स्टेडियम जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट के साथ में पूरा रूफ के साथ जो प्रॉपर स्टेडियम होता है वो नहीं बना, इंडोर भी नहीं, आउटडोर भी नहीं है। अरुणाचल ही एक ऐसा स्टेट है जो देश में एक स्विमिंग पूल नहीं है, एक प्रॉपर टेनिस कोर्ट नहीं है। तो बहुत कुछ अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए अभी बीजेपी गवर्नमेंट आया है, पेमा खांडू साहब का सरकार अभी 2 साल जस्ट क्रॉस किए हैं, नया सरकार बना है। तो मैंने इसलिए कहा कि जो पहले जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, पहले काम कुछ नहीं हुआ, कुछ भी थोड़ा कुछ हुआ है उसको छोड़ दीजिए, हमारे समय में तो अब हमको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए अगले जो 5 सालों में अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल स्टैंडर्ड जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल हो सके, 25-30 हज़ार बैठने वाला स्टेडियम ईटानगर में तो बनना ही चाहिए। उसका सीएम साहब हम लोग ने डिस्कशन कर लिया, एक मोटा मोटी अनुमान भी लगाया, हमारा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को भी मैं साथ में ले जा रहा हूँ, तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर लिया है। तो एक बड़ा स्टेडियम, फिर एक इंडोर स्टेडियम, फिर एक दो डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ जो पोटेंशियल है उसका कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, ये रोड मैप बनाया हुआ है। तो अभी ईटानगर में नेशनल गेम्स करना है तो अभी 2024 से आगे कोई खाली नहीं है, सब अलॉटेड है। 2024 का नेशनल गेम्स ईटानगर में कर पाएगा कि नहीं पाएगा वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से हम फैसिलिटी देख करके ही बता सकते हैं कि कितना हम फैसिलिटी बना पाया। लेकिन जो खेलो इंडिया गेम्स है, नेशनल गेम्स है, वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हम सोचते हैं कि अभी सीएम साहब से बातचीत करके, वैसे एक है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होता है, एक होता है मेन खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, तो वो कौन सा वाला अरुणाचल प्रदेश में कब कर पाएगा अभी साल तय नहीं हुआ है, वो हम लोग उसको बातचीत करेंगे। और एक यूथ फेस्टिवल होता है, नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है, उसमें 5 हज़ार से ज़्यादा लोग आता है उसका, वो तो मैं ही सेंक्शन अथॉरिटी हूँ, ये सारा जो सेंक्शन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में है क्योंकि मैं ही इसका फाइनल अथॉरिटी हूं, तो इसलिए मुझे कोई चीज़ अप्रूव करने से पहले सोचना पड़ेगा कि मैंने सही निर्णय किया कि नहीं किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे समय में अरुणाचल में, चाहे वो नेशनल गेम्स हो या खेलो इंडिया गेम्स हो या नेशनल यूथ फेस्टिवल हो, इस तरह का बड़ा बड़ा कार्यक्रम वो अरुणाचल में होना ही पड़ेगा। वो किसी तरह से हम चाहता है कि ये हम करें। और अरुणाचल का मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब जो है काफ़ी युवा मुख्यमंत्री और बहुत ही दिलचस्पी रुचि से वो काम करते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगले जो 5 सालों में अच्छा कार्यक्रम अरुणाचल में होगा। लेकिन वो सब करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो मैं जिम्मेदारी लेकर के मैं काम करूँगा, वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर, ये रहा, ये था आपके मतलब स्पोर्ट डिपार्टमेंट से। सर, 2015 को दो सिटीज़ ईटानगर और पासीघाट को स्मार्ट सिटी में करने का, तो सर आपको नहीं लगता कि जो काम चल रहा है बहुत ही धीमा चल रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है, सिर्फ ये अरुणाचल का बात नहीं, पूरे देश भर में ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह से आप कैसे शहर को आगे ले गया, वो ऑर्गेनाइज वे में लेके गया ही नहीं है, इसलिए तो तोड़ फोड़ हो रहा है, रास्ता नहीं बन रहा है। राजधानी ईटानगर तो 1980 का बात ही बना है, एक्चुअली देखा जाएगा बहुत ही खूबसूरत शहर बनना चाहिए था, कोई कॉलोनी नहीं है, कोई डिफाइन नहीं है। आज हम जाके किसी का घर तोड़ नहीं सकते, किसी का कॉलोनी उजाड़ तो नहीं सकते हैं। उस समय एक अच्छा मौका था, नया राजधानी बनाया, उस समय सारा प्लानिंग के साथ होना चाहिए, तो हुआ नहीं है। अब देखिए, हमने सेंक्शन कराया, रास्ता बना नहीं पाता है, लैंड एक्विजिशन नहीं है, रास्ता बनाने का ज़मीन नहीं मिल रहा है, कॉम्पेंसेशन का इशू है। अगर ये सब पहले 25-30 साल पहले सोच लेता, प्लानिंग करता कि ये हाईवे होगा, ये ऑफिसर कॉलोनी होगा, ये पुलिस कॉलोनी होगा, ये जो है आपका स्पोर्ट्स कॉलोनी होगा, ये जो आपका पब्लिक फंक्शंस का कन्वेंशन सेंटर होगा, इस तरह से अलग अलग आइडेंटिफाई किया होता तो आज दिक्कत नहीं होना था।
तो दिक्कतें तो हैं, हकीकत है कि 2015 में हम लोग ने स्पोर्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी का जो ये कल्पना जब आया था, तो हम लोग सबसे पहले ईटानगर पासीघाट दोनों को ही हमने पुश किया। बाद में पासीघाट को सेलेक्ट किया हमने, जोर लगाया, फिर ईटानगर भी सेलेक्ट हुआ। आप देखिए, आसाम का भी एक स्मार्ट सिटी सेलेक्ट हुआ, नागालैंड एक, मणिपुर एक, मिजोरम एक, मेघालय एक, त्रिपुरा एक, अरुणाचल मात्र एक ऐसा स्टेट है जिसको दो स्मार्ट सिटी मिला है। लेकिन उसमें काफ़ी जो विलंब हो रहा है उसको मैं तो बिल्कुल दिलचस्पी के साथ मैं उसको देख रहा हूँ कि किसी तरह से जल्दी हो जाए। पासीघाट का फॉर्मलाइज हो गया करके अब सारा पैसा एलोकेशन वगैरह भी लगभग हो गया। अब इसका जो जिसको काम दिया है, जो इसका कंसल्टेंसी जो भी कर रहे हैं, वो अब शेप में ला रहे हैं। ईटानगर थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ कि ईटानगर का वो बीच में म्यूनिसिपल जो वहाँ पे काउंसिल है, ये सब ठीक ठाक शेप में नहीं था, उसमें ये सब काम को आगे लाने में उनको दिक्कतें आई थी, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईटानगर और पासीघाट दो स्मार्ट सिटी जो मिला है, अब इसको और ज़्यादा डिले नहीं करते हुए जो फर्स्ट फेज जल्दी शुरू कर देना चाहिए। साथ साथ जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो छोटा छोटा अर्बन सिटी है, सबको हम स्मार्ट बनाएंगे, आखिर तो सबको बनाना पड़ेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का साथ साथ कम्युनिटीज़ का, जनता का पूरा समर्थन चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से हम जो भी हो सकता है, मेरा तरफ से, मैं जब तक यहाँ MP हूँ अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ कोई डिले नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में कोई भी चीज़ दिल्ली में डिले नहीं हुआ। लैंड एक्विजिशन, चाहे एयरपोर्ट, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, सारा चीज़ अरुणाचल में ही पेंडिंग हुआ है। जब वहाँ क्लियर हो गया तो देखो तुरंत पैसा भी चला गया। तो वहाँ जब तक क्लियर नहीं होगा तो सेंट्रल जितना जोर लगाने से भी काम नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो नया गवर्नमेंट पेमा खांडू जी के नेतृत्व में चल रहा है वो सीरियस है, काम कर रहा है। सर, ये स्मार्ट सिटी और साथ ही सर जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो 2008 से शुरू हुआ था, लेकिन अभी सर करीबन 14 साल कुछ हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हुआ। और साथ ही सर अगर देखा जाए ईस्टर्न पार्ट, जहाँ पार्ट नाम साए थे जो, वहाँ ठीक है, वेस्टर्न जो वेस्ट कामिंग तावांग, वहाँ का हाईवे तो देखने लायक नहीं, वहाँ जा नहीं सकते। इवन इन कैपिटल एरिया कंस्ट्रक्शन जिसने लिया है चार्ज बनाने का, उन लोग तभी मोशन में आते हैं जब आदमी का गाड़ी जा रहा होता है, कोई एक्सीडेंट होकर मर रहा होता है। तो सर इस पर आपको क्या कहना है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 2008 से शुरू हुआ था ये, तो अभी इतना साल हो गया सर, कब तक ख़त्म होने का चांसेस है? जबकि लेकिन CM पेमा खांडू ने उन्हें टीके कंस्ट्रक्शन को दे दिया है वार्न टाइप का कि बाय सेप्टेम्बर या अक्टूबर ब्लैक टॉपिंग होना हो जाना चाहिए कैपिटल एरिया में। सर एज ए रिप्रेजेंटेटिव सर आपको क्या कहना है? वो तो बुरी तरह से फेल हुआ है रास्ता के मामले में, क्योंकि ईस्टर्न अरुणाचल हो, वेस्टर्न हो, अरुणाचल तो अरुणाचल ही है ना। तो जब ईस्टर्न अरुणाचल में रोड बन गया तो वेस्टर्न में क्यों नहीं बना, तो आपको समझना चाहिए कहाँ फेल हुआ। तो प्रोजेक्ट सेम प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे वही है, लेकिन एक भाग में लैंड एक्विजिशन का कोई इशू नहीं तो रास्ता बन गया, दूसरा साइड में लैंड एक्विजिशन में इतना प्रॉब्लम कर दिया कि रास्ता नहीं बना। 2012 उस समय तो मैं MP नहीं था, ब्रेक हो गया था, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट जो अवार्ड हुआ था वेस्टर्न, जो पंगिंग और पोतिन पोर्शन वाला, तो उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ। बाद में मैं 2014 में जो मंत्री बना तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्टर सबको बुलाया कि रास्ता क्यों नहीं बना रहा है 2012 में कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने बुलाया तो वो लोग काम करने के लिए तैयार है, लेकिन कहाँ करें, ज़मीन कहाँ है, लैंड एक्विजिशन करके तो दिया नहीं। लैंड एक्विजिशन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, तो लैंड एक्विजिशन ही नहीं हुआ तो काम कहाँ करेगा। तो मैंने 2014 में जोरदार किया कि जल्दी करो लैंड एक्विजिशन, तो वहाँ सरकार ने नहीं कर पाया। हमने कंपनसेशन पैसा भी दिलवा दिया, वो पैसा को लेकर के घबला कर दिया, उल्टा स्कैम कर दिया। तो इतना फ्रस्ट्रेशन आप सोचिए हमारे दिल में कितना आता होगा। उसके बाद में 2017-18 में जब कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप विड्रॉ कर लीजिए, और उसको ज़बरदस्ती हटाएगा तो वो तो कोर्ट चले जाएंगे, फिर 20 साल लगेगा क्योंकि उसको टेंडर अवार्ड कर चुका है 2012 में। तो लेकिन हाथ जोड़ करके कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि विड्रॉ कीजिए, वो अपना आप विड्रॉ करके ये किया। अब जाके नया पैकेज बना, तो आप तो सुन के ताजुब होगा, अभी नया पैकेज बना पंगिंग से पोर्टिन का, 3 पैकेज बना के टेंडर किया, कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए आया नहीं, कौन काम करेंगे अब। तो टेंडर कॉल किया तो हम लोग चाहते हैं कि काम जल्दी हो, इसलिए मंत्रालय में बोला कि 2 साल में आपको काम करना है। सब कॉन्ट्रैक्टर डर गया कि 2 साल में तो काम हो ही नहीं सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई
सामने आया नहीं है, तो फिर हमें तो चिंता होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए तैयारी नहीं, 1000 करोड़ से ऊपर का तो कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। तो सब कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि अरुणाचल इतना टफ एरिया है, 2 साल में कोई रास्ता कर ही नहीं पाएगा, सब हाथ खींच लिया। अब हमने ये सजेस्ट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बात करके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से कि उसको और छोटा पैकेज बनाओ, और छोटा पैकेज बना करके 8-9 पैकेज और बना करके फिर से टेंडर करो, और कॉन्ट्रैक्टर को हाथ जोड़ो और बोलो कि टेंडर पार्टिसिपेट करो और काम करो। एक तो हमारे पास कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो काम नहीं कर पाता है। कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलता है काम करने जाता है तो कोई लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनका इक्विपमेंट्स प्रॉब्लम होता है, बारिश आता है, दुनिया भर का वो इशू बनाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जब एक बार काम अवार्ड हो गया, अच्छा काम होना चाहिए, क्वालिटी काम होना चाहिए। मेरा पास तो, मैं तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाता हूँ, तो सुबह शाम समय मिलता नहीं, तो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल करके पूरा सिक्योरिटी दे करके पब्लिक कोऑपरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्टर को एकदम ठीक से बोलना है कि आपको समय पे काम करना ही पड़ेगा। मैं तो यहाँ रात रात, अभी देखा आप, मेरे पास समय इतना कम है, इतना फाइल रात को 1-2 बजे तक मैं फाइल देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समय नहीं है, इतना मुश्किल होता है। फिर MP होने के नाते अरुणाचल का काम, जो भी वहाँ से अरुणाचल से जो भी पेंडिंग काम है पूरा मैं फॉलोअप करता हूँ, मैं 1 मिनट का आराम नहीं करता हूँ। फिर भी जब वहाँ ग्राउंड पे काम नहीं होता है, रास्ता बंद होता है, एजिटेशन करते हैं, तोड़फोड़ होता है, रास्ता गड्ढा गड्ढा बड़ा हुआ है, तो कितना मुझे ख़राब लगता है। मेरे तरफ में अगर देर हो जाता है, दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अगर विलंब होता है, डिले होता है, मैं उसका 100% जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन हमने अपना काम कर दिया, सैंक्शन कर दिया, सब कुछ कर दिया, वहाँ काम नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ सेंट्रल के अलावा स्टेट गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी होता है, लोकल अथॉरिटी का भी जिम्मेदारी होता है, पब्लिक का भी जिम्मेदारी होता है, क्योंकि पब्लिक का कोऑपरेशन के बिना भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक आदमी भी काम रोक सकता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर आपस में केस हो जाता है, तो इस तरह का सबको मिल करके काम करना होगा। मुझे लगता है कि रोड, हाईवे, टेलीकॉम, ये सब अरुणाचल में बहुत डिले हो चुका है, और प्राइम मिनिस्टर का जो एजेंडा है वो क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश में विकास का रथ को आगे बढ़ाना है तो वहाँ का जो ढांचा है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन है वो ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा रास्ता, एयरपोर्ट, अच्छा रेलवे लाइन, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल इंडिया को आगे चलाना है तो कम्युनिकेशन पहुंचाना पड़ेगा। अभी जो प्रॉब्लम चल रहा, रास्ता नहीं बन रहा है तो केबल ले नहीं जा पाता है, केबल ले नहीं जाता है तो फिर 3G 4G नहीं पहुंच पाता है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं मिलता है, तो ये सब काफ़ी इंटर ये मिंगल्ड है, प्रॉब्लम जो है एक दूसरे को इसमें जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं तभी फिर अरुणाचल जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग विभागों से मेरा तरफ से भी हम सजेशन देगा, और CM साहब और स्टेट गवर्नमेंट सबसे मिल करके आगे बढ़ाएंगे। सर, पब्लिक की ओर से अरुणाचल के जितने सिटीजन्स हैं उसके तरफ से मतलब क्वेश्चन हमने पुट अप किया था, मतलब कोई अगर आपसे कुछ पूछना चाहे तो। सर, हमने एक चुन के निकाला कि कैब जो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 था सर, उसमें तो आपने कभी हिचकिचाया नहीं है, जब आप होम मिनिस्ट्री में था आपने बेझिझक बोला। कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सिटीजनशिप बिल जो पास कराएंगे, तो सर एज अ रिप्रेजेंटेटिव अरुणाचल के आप क्या स्टैंड करेंगे सर उसमें? तो पार्टी ने कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके ही पास करेंगे। ये तो ये नॉर्थ ईस्ट का बिल नहीं ना, ये तो ऑल इंडिया का बिल है, और अरुणाचल में तो लागू नहीं है। अरुणाचल तो प्रोटेक्टेड स्टेट है, अरुणाचल में तो ऑलरेडी, हम जब होम मिनिस्ट्री में थे तो चकमा हाजोंग को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 3 महीने के अंदर सिटीजनशिप देना है, वो भी अरुणाचल के अंदर में। फिर भी मैंने मेहनत करके अपना पूरा इन्फ्लुएंस यूज़ करके उस केस को, हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो फाइनल होता है, फिर भी हमने एक ऐसे एफिडेविट तैयारी कराया कि चकमा हाजोंग अगर देश में कहीं भी सिटीजनशिप देना है तो दे दीजिए, लेकिन अरुणाचल का ST होकर के अरुणाचल के अंदर में हम नहीं मान सकते हैं, ऐसा हमने स्टैंड दिया। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में भी इतना दिन तक पेंडिंग रहा, हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, फिर भी हमने अपना बात को रखा। अगर मैं उस समय होम मिनिस्ट्री में नहीं होते तो अब तो सिटीजनशिप मिल चुके होते और पूरा वहाँ कितना गंदगोल होना था। फिर भी हमने जो एक स्टैंड लिया वो अपना स्टैंड तो हमने मजबूत से रखा है। अब जो ऑल इंडिया का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है
वो अरुणाचल प्रदेश में तो लागू है ही नहीं, इसलिए मैंने काफी लोगों को बताया कि जो आप पे लागू नहीं है आप उस पे क्यों आप बोलना है। अगर आप दूसरा स्टेट के लिए उनके फेवर में प्रो में या अगेंस्ट बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, आप डेमोक्रेसी में आपका व्यू रखना आपका राइट है। लेकिन अरुणाचल के लिए जो लागू नहीं है, जो अरुणाचल से कोई मतलब नहीं है, अरुणाचल में जो ऑलरेडी इंडियन है वो भी अरुणाचल जाने के लिए पास सही है, तो कोई दूसरा अगर इंडियन बन जाता है तो उससे क्या अरुणाचल को फर्क पड़ेगा? आप रेशनली सोचना चाहिए ना इसको, आप पॉलिटिकल इशू बनाना ही है बोल के बनाते रहेंगे वो तो ठीक नहीं। जहाँ तो असम का सवाल है, बाकी का सवाल है, वो तो पार्टी ने कह दिया कि वहाँ के स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करके ही करेंगे। ये तो ऑलरेडी पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा है और मैनिफेस्टो में भी लिखा है। अरुणाचल का जहाँ तक इंटरेस्ट है वो तो हम लोग तो प्रोटेक्ट करेंगे। एज अ लोकल एमपी मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं अरुणाचल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूँगा। इसलिए पिछले 5 सालों में मैं मिनिस्टर है इसलिए मैंने बहुत बात बताया नहीं और बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना और उसको मैंने उल्टा कर दिया, ऐसे बात मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जो मैं पिछली 5 सालों में जो बैठ करके अरुणाचल का जो जो प्रोटेक्शन किया, अगर मैं बाद में राजनीति छोड़ने के बाद जब मैं किताब लिखूंगा तब तो लोगों को पता चलेगा कि मेरे रहने से, चाहे वो बॉर्डर पैकेज हो, चाहे वो सिक्योरिटी का दृष्टि से हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को इंटायर अरुणाचल का असम बॉर्डर से हमने हटवा दिया। आप सोचिए, अब सिर्फ ईस्टर्न में तिराप चालान लोंगदिन और 4 पुलिस स्टेशन रह गया, जो कांग्रेस का समय से, जो 1991 से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू था अरुणाचल में, असम अरुणाचल का पूरा बाउंड्री लागू था, वो सब हमने हटाया, किसी को पता भी नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पीस लाया, शांति लाया, इसलिए तो हमने हटा पाया। हम नहीं चाहते कि हमारे वहाँ में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हमेशा लागू हो। तो बहुत सारा काम हुआ है, मैं गिनती करके बताऊंगा, चाहे मैं फिल्म इंस्टीट्यूट लाया हो, अरुण प्रभा लाया हो, चाहे मैं डिजास्टर रेस्पॉन्स का पूरा नॉर्थ ईस्ट का सेंटर को अरुणाचल में बनवाया हो, चाहे मैं उससे पहले IIT NIT लाया हो, चाहे मैं अरुणाचल प्रदेश में अब ये ITBP का फ्रंटियर हेडक्वार्टर का मैंने अरुणाचल में लेके आया हो, कितना मैं गिनती करने से भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि साइलेंटली आया है। और अरुणाचल का इतिहास में 2004 में मैं जब MP बना, उससे पहले अरुणाचल का पहचान पार्लियामेंट में और देश विदेश में, और मेरा पार्लियामेंट में आने से क्या बदलाव हुआ, ये लोगों को अपना आप से मैं तो नहीं बता सकता हूँ। मेरे बारे में मैं कितना अच्छा आदमी है, ख़राब आदमी है, मैं दूसरा MP का मुकाबले में कितना काम कर सकता हूँ, वो मैं अपने बारे में तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ, वो जनता देंगे। इसलिए मेरा निशाना हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ईटानगर तोमोरिबा हॉस्पिटल और ये RK मिशन हॉस्पिटल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितना आप एक्सरे मशीन, जितना एम्बुलेंस दौड़ रहा है, वो कैसे करके मैं लाता था, करोड़ों का पैसा मैं जमा करके 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 मैं ला करके लोगों तक तो पहुंचाता हूं। लोग तो अपना MPLAD और बाकी जो डेवलपमेंट फंड पैसा को भी मिसयूज़ करते हैं, मैं तो ये सब मिसयूज़ तो छोड़ दीजिए, करोड़ों पैसा बाहर से डोनेशन करके, सरकार के अलावा प्राइवेट से भी लेकर के मैं हॉस्पिटल स्कूल तक पहुंचाता हूं, कंप्यूटर पहुंचाता हूं, ये सब चीज़ कहने के लिए तो कोई भी कह देंगे लेकिन करना आसान नहीं है। एक क्वेश्चन था जो रिसेंटली, रिसेंटली भी नहीं सर, वहाँ TLC एरिया, वहाँ पे NSN का हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, और रिसेंटली जो NPP के जो MLA थे उनको अभी ऐसे ही कॉन्वे 11 लोग को मर्डर कर दिया था सर, तो उस चीज़ के लिए सर NSN, जैसे कि यहाँ पे कुछ होता है या लाइक कश्मीर में या कहीं में भी कुछ होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत मतलब रैपिड एक्शन लेता है, तो सर NSN जो कि इतने सालों से TLC एरिया में मान लीजिए लाइक पली रहे वहाँ पे, तो सर उसको एक्शन सेंटर से कब लेंगे सर? नहीं, एक्शन ऐसे कब लेंगे ऐसा नहीं है, तो वो तो चलते रहता है, उसमें एक्शन लेना, कितना मारा पीटा, किसको ये हुआ, वो तो सबको मालूम है कि क्या क्या हुआ है घटना। अब देखिए, अभी NIA केस को देख रहे हैं, मैं तो होम मिनिस्ट्री में था मुझे मालूम है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब वो MLA किससे इन्वॉल्व थे, उससे पहले MLA किससे इन्वॉल्व थे, वहाँ गांव का आदमी कौन सा NSN ग्रुप से मिले हुए हैं, किसने किसको पैसा दिया, कब झगड़ा शुरू हुआ, किसका ग्रुप किसको हायर करके मरवाते हैं, ये सारा डिटेल तो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन इंटरनल क्या है, इंटरनल ये है कि वहाँ
एनएससीएन का अलग अलग फैक्शंस, अलग अलग कमांडर, अलग अलग लोग सबसे किसी ना किसी रूप से इफेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे का, लोकल लेवल में भी और मिलिटेंसी में भी। इसलिए उसमें भारत सरकार की तरफ से कुछ जो कदम उठाया उसमें मेरा सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि जब कार्रवाई करो बोलता है, जब कार्रवाई जब होता है तो उसका फिर इफेक्ट बहुत होता है। जैसे कि पिछली बार जब असम राइफल्स का कुछ लोगों को वहाँ पे मिलिटेंट्स अटैक किया था और असम राइफल के काफ़ी लोग मारे गए थे, एनएससीएन का अटैक हुआ था, उस समय एक्शन जब हुआ फिर गांव से इतना आवाज़ उठ गया, नहीं नहीं आर्मी एक्शन बंद करो क्योंकि यहाँ टॉर्चर हो रहा है, आम आदमी को पकड़ रहा है। तो जब आर्मी ऑपरेशन करता है या कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उसका इफेक्ट जो है आम आदमी के ऊपर में भी होता ही है, क्योंकि तो इंसान है, सब जुड़े हुए हैं। मिलिटेंट मतलब कौन है? किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का बाप, किसी का बेटा तो मिलिटेंट है। बाहर से कुछ आया, कुछ लोकल का होता है, तो जब ऑपरेशन करता है तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ता है। ये चीज़ बहुत बड़ा बात है, इसको फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सामान तो है नहीं कि इसको अलग कर दो, इसको पकड़ के अरेस्ट करो। आदमी है, वो जुड़े हुए हैं। इससे जब बड़ा कार्रवाई होता है तो उसका जो कोलैटरल डैमेज जिसको अंग्रेजी में बोलता है, उसका जो असर है वो हर जगह होता है। तो कहीं ना कहीं फिर बच्चों को इफेक्ट पड़ता है, औरतों को फ़र्क पड़ता है, उसका इशू आता है, फिर ह्यूमन राइट्स इशू आ जाता है। ये सारा मिला हुआ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मैंने एक बार अपील किया था कि जनता पूरा मिल के ये तय करे कि मिलिटेंट्स को हम किसी तरह का स्पेस नहीं देंगे और लोकल आदमी कोई भी संपर्क नहीं करेंगे, तो फिर मिलिटेंट्स नहीं आएगा। जब लोकल एलिमेंट साथ देता है, लोकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाता है, समाज के कोई ना कोई लोग उसमें शामिल होते हैं, तब जा कर के कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। इसलिए राज्य सरकार, लोकल, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलना पड़ेगा, मिल करके उसके बाद उसको अच्छा से कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लोगों को तो मालूम चली जाएगा थिरोंग आबो का केस और उससे पहले जितना केस हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इस समय मुझे कुछ स्टेटमेंट देना कि कौन किसके साथ इन्वॉल्व थे, किसने क्या किया, ये सब मेरे स्तर पे बोलना ये ठीक नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो प्रोफेशनली करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिन तक मिलिटेंसी को पनपना नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर ये कैंसरस है, विकास नहीं हो पाएगा और लोग ऐसे माहौल में जीना पड़ेगा कि डर डर के और अपना जो फ्रीडम है वो सरेंडर करना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। सर, आखिर में एज ए यूथ अफेयर्स मिनिस्टर आप यूथ वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, ज़िंदगी में खुशी और गम ये रहेगा। इंसान जब जन्म लिया है, इस पृथ्वी में पैदा हुआ है, तो दुख और सुख हमारा साथी है। लेकिन हम सक्सेस हुआ, फेल हुआ, हमारा ये हुआ, ये हुआ, बहुत ज़रा टेंशन में ना रहे, ज़िंदगी को आप खुशी से जीने का कोशिश करें और जब मौका मिले फिट रहे, मेहनत कीजिए और अपना व्यवस्था, जीने की व्यवस्था को ठीक कीजिए और जो मौका मिलेगा खेलना चाहिए। कंपटीशन के लिए सब नहीं खेलेंगे, मस्ती के लिए, शारीरिक रूप से आप एक स्वस्थ रहने के लिए। हर किसी को कंपटीशन में जाना नहीं होता है, वो जीने के लिए भी खेलना पड़ता है और खेल ही एक जीवन है। हम एक फिट इंडिया कैंपेन चलाने वाले हैं, खेलो इंडिया के तहत। हम जब फिट इंडिया कैंपेन लॉन्च करेंगे, हम चाहते हैं कि गांव-गांव तक कुछ ना कुछ एक खिलाड़ियों के लिए या आम लोगों के लिए प्लेग्राउंड बने, हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम या एक मिनी हॉल बने, ये हम करेंगे। ये करने के बाद एक फिटनेस का जब कैंपेन चलेगा तो हर हिंदुस्तानी फिट हो, क्योंकि देश क्या होता है, देश एक भौगोलिक स्थिति से एक साइज होता है, ये देश होता है। देश उठना गिरना वो देश में रहने वालों के ऊपर होता है। जब लोग ही फिट नहीं है तो देश बीमार है, लोग फिट है, तंदुरुस्त है तो देश फिट हो जाता है। तो किसी भी समाज, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो वहाँ के लोग स्वस्थ होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा। युवाओं को ड्रग्स लेना, दवाई लेना, दारू का चक्कर में मत रहिए, फिट रहिए।
और देखो हम तो हमेशा मौका, मेरा पास समय नहीं, फिर भी सुबह शाम जब समय मिलता है मैं 15 मिनट 20 मिनट दौड़ता हूँ, और मैं फिट रहने का महसूस कर अपना महसूस होता है मेरा मन में कि मैं फिट हूँ, तो काम करने के लिए भी आपको अच्छा लगेगा। आप बीमारी हैं, चल फिर नहीं सकता है, लोग बदनाम करते हैं, पॉलिटिशियंस लोग पेट बड़ा बड़ा होता है, अनफिट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर पैसे वाला लोग ऑफिसर अनफिट है, ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिट होना चाहिए, पॉलिटिशियन हो या ऑफिसर हो, चाहे वो किसान हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, हर एक को तंदुरुस्त शरीर रखना ये अनिवार्य होना चाहिए अपने आप में। ये रूल कोई सरकार बनाने का नहीं है, खुद ही बनाने लेना चाहिए। इसलिए युवाओं को मेरा संदेश है कि भारत को अगर 21वीं सदी का एक प्रखर रूप से अच्छा और मजबूत देश बनाना है तो हर भारतीय को फिट रहना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा। उसके लिए खाने पीने से लेकर के काम काज से लेकर के सोच विचार तक स्वच्छ साफ और सही तरीके से काम करें और फिट रहेगा। इसलिए हम एक फिट इंडिया कैंपेन चलाने वाले हैं, खेलो इंडिया के तहत हम जब फिट इंडिया कैंपेन लॉन्च करेंगे, हम चाहते हैं कि गांव-गांव तक कुछ ना कुछ एक खिलाड़ियों के लिए या आम लोगों के लिए प्लेग्राउंड बने, हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम या एक मिनी हॉल बने, ये हम करेंगे। ये करने के बाद एक फिटनेस का जब कैंपेन चलेगा तो हर हिंदुस्तानी फिट हो। हम लोग जब फिट इंडिया कैंपेन चलाएंगे तो सारा युवाओं को हम फिर आह्वान करेंगे, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्लान कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि मेरे जो राज्य में युवा है वो जो सब बहुत क्षमता है, उसमें कैपेसिटी है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को बर्बाद होने ना दें। इस पृथ्वी में जन्म लिया है तो आप किस्मत वाले हैं, और जीना सीखिए, लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, लाइफ को जीना है। इसलिए लाइफ को जीना है तो तंदुरुस्त रहिए, फिट, ये मेरा संदेश है। जी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, और हम आपका जितना आने वाले समय के लिए जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट और माइनॉरिटीज के लिए आप इसी तरह से अच्छे तरीके से काम करिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना दूर से आया अरुणाचल से यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए, और मैं इतना बिजी था, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए ये इंटरव्यू, मैं तो अभी नेशनल न्यूज़ और नेशनल टीवी को इस तरह से मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ आजकल, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन आप अरुणाचल से आया इसलिए आपको मैंने भरपूर समय काम छोड़ के आपसे बातचीत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।